दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलाइन चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। तो हे गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने थंबनेल पे बहुत अट्रैक्टिव और ऑसम सा टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं, वो भी 30 से 40 सेकंड में, और देखने में काफ़ी खूबसूरत होगा टेक्स्ट और काफ़ी अच्छा देखने में लिखेगा, प्रोफेशनल लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके का टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्नैपसीड। तो ये जो है गूगल का एप्लीकेशन है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इसमें आपको काफ़ी ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो बाकी चीज़ों की मैं बात नहीं करूँगा अभी फिलहाल के लिए, मैं टेक्स्ट की बात करूँगा और इससे मैं आपको टेक्स्ट एडिट करना बताऊँगा। तो यहाँ से जो है मैंने डाउनलोड कर लिया, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। तो जैसे ही आप स्नैपसीड खोलेंगे, तो स्नैपसीड खोलने के बाद जो है पहला फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको इस तरीके का लुक मिलेगा। तो टैप एनीवेयर टू ओपन अ फोटो का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी गैलरी मिल जाएगा जहाँ से आप अपने थंबनेल या फिर जो है अपनी कोई भी पिक को एडिट करते मतलब कि ऐड कर सकते हैं एडिट करने के लिए। तो चलिए यहाँ से कोई फोटो ले लेते हैं, तो यहाँ रिसेंट के ऑप्शन पर मिल जाता है। तो मैं आप अपनी गैलरी में जाता हूँ, गैलरी से जो है एक फ़ोटो पिक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। तो यहाँ मैंने फाइल मैनेजर को ओपन किया और यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छी सी फ़ोटो। तो यहाँ पे ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ और इस फोटो को लेने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे लोड ले लिया इसने, मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ देखिए नीचे एक पेंसिल का बटन आपको देखने को मिल रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन और वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन आ गए। तो इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे जो है आप देखोगे तो इस तरीके आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा और नीचे आपको काफ़ी चीज़ जो है एडिट करने के लिए मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो है आपके फ़ोटो पे कुछ चीज़ें टेक्स्ट करने के लिए आ जाएंगी। तो ये देखिए जैसे मैंने टैग किया तो यहाँ पे देखिए डबल टैप ऑप्शन आ गया इस पर और इस तरीके का ऑप्शन आ गया। तो जैसे मैं डबल टैप इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे टेक्स्ट लिखने के लिए बोलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है टेक्स्ट लिखने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ हाउ टू मेक ऑसम टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा हो क्योंकि ये अभी जो है लैंडस्केप मोड पे है, इस वजह से वो छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा कि लिखने के बाद कि किस तरीके से वो दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है हाउ टू मेक ऑसम टेक्स्ट मैंने लिख लिया और यहाँ से बस ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए इस तरीके से जो है ऑसम सा टेक्स्ट बन जाता है आपको, जो है राउंड वाले में ऑसम सा टेक्स्ट बन गया और ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसमें सिर्फ यही एक नहीं है, काफ़ी ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए नीचे से आपको सेटिंग में मिलेगी और ये देखिए आपको जैसा भी ऐड करना है, जैसा भी बनाना है उस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए काफ़ी ढेर सारे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कई। और यहाँ पर आप देखिए ये वाला और ये वाला भी देखिएगा, ये देखिए यहाँ से आप किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दाएँ बाएँ कहीं भी ले जा सकते, छोटा बड़ा किसी भी तरीके से, बस टू फिंगर से आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट एडिट करना है बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। किसी को भी जो है 30 सेकेंड बहुत हैं इसके लिए, सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है, बाकी काम ये कर देगा। बाकी आपको ऑप्शन चुनने हैं कि बाकी आपको जो है जो भी चाहिए वो सारी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बबल्स वाले ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं राउंड वाला बनाता हूँ, तो राउंड वाले आपने मेरे कई थंबनेल पे देखे होंगे, तो इस तरीके से आप काफ़ी ढाई सारे चुन सकते हैं। बीच वाले ऑप्शन से आपको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा टेक्स्ट दिख रहा है। तो बीच वाले ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ कि बीच वाले ऑप्शन में जो ऑप्टिम यहाँ पे आपको मतलब हल्का करने के लिए टेक्स्ट को या फिर जो है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ढेर सारे टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं कुछ और भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं ऑप्टिसिटी, तो यहाँ हल्का या फिर मैं बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो है थर्ड वाले में ऑप्शन में इतने कलर मिलते हैं, मैं जिस भी कलर में चाहूँ ना उस कलर में इसे बना सकता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपको जो भी कलर पसंद आए वो सारे कलर आप चूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है इसे ओके कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कोई दूसरा टेक्स्ट भी इसमें ऐड करके दिखाऊँ। तो ये देखिए फर्स्ट वाला ऐड हो गया, देखिए फटाक से एडिट हो गया। अब एक काम करते हैं कि दूसरा भी ले लेते हैं, तो वहीं पर मुझे पेंसिल वाले पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट के पे जाने के बाद जो ये देखिए फिर से आ गया और इस पे जो है डबल टैप, तो इस बार मैं कुछ भी जो टेक्स्ट चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ इसके स्टाइल को चेंज करूँगा। तो चलिए यहाँ से स्टाइल ले लेते हैं कोई भी एक बढ़िया सा। तो इस तरीके देखिए आप कुछ भी टेक्स्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप हो गया, तो मैंने ये वाला ले लिया और यहाँ से मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज हो गया। और यहाँ से फिर से मैं इसे ओके करने वाला हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो ये देखिए यहाँ पर मेरा टेक्स्ट बन गया और ऊपर जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो सेव कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करोगे तो ये ढेर सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो है कुछ करना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको सेटिंग में जाना है, जो आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिला यहाँ से सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है फॉर्मेट एंड क्वालिटी पर जो है PNG को सेट करना होगा। तो यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ पर PNG पर सेट कर लीजिएगा,
ओके, तो 25 पे सेट हो गई, तो आपकी जो है फोटो की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आप फिर जो है वहाँ सेव कीजिएगा, और सेव करने के बाद जो है सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पहले प्रीपेइंग फोटो करेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मुश्किल से 10 सेकंड का, और उसके बाद जो है आपकी फ़ोटो पे जो टेक्स्ट है उसको इस तरीके से एडिट कर देगा। तो ये देखिए सेकंड वाला पार्ट चल रहा है दूसरा टेक्स्ट का, और ये जो है अब होने वाला है। तो वेट करते हैं हल्का सा, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने थंबनेल पे सिर्फ 30 या 40 सेकंड में बहुत अच्छे से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।